देखो इस साल बॉलीवुड का डंका तो बजने से रहा, क्योंकि अभी साल की शुरुआत में ही दो बड़ी मूवी जिनसे बहुत उम्मीद करी जा रही थी वो भी ईद जैसे फेस्टिवल पे रिलीज करी गई। बहुत अच्छा वैकेशन मिलता है, अच्छा खासा टाइम मिला, बावजूद इसके उन मूवीज को क्या मिला अभी तक 100 करोड़ भी वो मूवी कंप्लीट नहीं कर पाई है। और दूसरा सिंघम अगेन से भाई उम्मीद करी जा रही थी, लेकिन इस साल धड़ाधड़ साउथ की जो बड़ी बड़ी मूवीज लगी पड़ी हैं जो सोशल मीडिया पर नाम मात्र उनके छोटे से अपडेट से ही भाई साहब तूफान आने को करता है। कल की 2898, पुष्पा 2, द रूल, जिसके साथ क्लैश करने की बात कर रहे थे, लेकिन इतनी सॉलिड हाइप लेके चल रही वो मूवी कि मेकर्स को, सिंघम अगेन के मेकर्स को पीछे हटना पड़ा, पोस्टपोन करनी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके भाई रास्ता अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि सामने देवारा भी लगी पड़ी है जो अक्टूबर में आएगी, उसके बाद कंगुवा भी लगी पड़ी है जो दिसंबर तक आ जाएगी। तो बॉलीवुड का डंका फिलहाल बजने से है, लेकिन भाई अगले साल के लिए एक मूवी अभी से प्रॉमिस करके जा रही है, वॉर 2, जिसकी छोटी सी अपडेट सोशल मीडिया पर तूफान लाने का काम कर रही है। और भाई शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फैक्ट्स भी ये हैं कि भाई ये मूवी इतनी ज्यादा हाइप में क्यों है, क्योंकि जो चेहरे इसमें जुड़ रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप VFX की दुनिया की बात करें, जो इंडिया में जबरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया था ब्रह्मास्त्र की वजह से, अयान मुखर्जी जो डायरेक्टर का नाम इसमें जुड़ रहा है, देन उसके बाद भाई साहब सुपर हीरो एक्शन किंग की अगर बात कर लें, ऋतिक रोशन का नाम इसमें जुड़ रहा है जो वॉर मूवी में अपना जलवा पहले ही दिखा चुके हैं, एंड RRR से भाई जूनियर NTR का जलवा कौन नहीं देखा है, कौन उन्हें बोल सकता है। तो जूनियर NTR यहां पर विलेन एंगल में साबित होने वाले हैं, लेकिन भाई साहब ये सब एजेंट ही हैं, लेकिन एजेंट कैसे विलेन बन जाएगा वो सारी चीजें, ये भी ठीक है। लेकिन भाई इस चीज को ट्रिगर ये कर रहा है, निगेटिविटी में ये ला रहा है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की अधिकतर मूवी में पाकिस्तान का कनेक्शन दिखा दिया जाता है, जो अब जनता बोर हो चुकी है इस घिसे पिटे कॉन्सेप्ट से जो बार बार ला के रख देते हैं। लाइक Tiger 3 में कोई भी कमी नहीं थी, बस ये जो एंगल था यही एंगल ने लोगों को डिस्कनेक्ट करा था, बस और कोई बात नहीं थी। बाकी सब कुछ बढ़िया था, VFX, एक्शन, स्टोरी ही मैं कह रहा हूँ स्टोरी दमदार होनी चाहिए। तो वॉर 2 की भाई साहब प्रॉमिस तो करके जा रही है, क्योंकि अयान मुखर्जी ना अपने VFX के पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना स्टोरी के पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। दैट्स वाई कि भाई वो प्रॉमिस, वो ट्रस्ट बनता है कि जब वॉर 2 2025 में आएगी तो इसके आमने सामने आस पास कोई भी मूवी भाई भटकते नजर नहीं आएगी। नाइस nice. क्योंकि ये वो हाइप लेके चल रही है। जूनियर NTR भाई सब शूटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, और इनके जो डेडलीस्ट लुक यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई सब कौन कौन से जो आमने सामने वाले सीन्स होने वाले हैं, मतलब अपने कबीर भाई और ये अपना तारक, एजेंट तारक यानी जूनियर NTR, ये दोनों कब कब सामने आने, आमने सामने वाली लड़ाई इनकी कब कब होगी, वही पहले जेट में, देन उसके बाद ट्रेन चेंजिंग सीन, देन उसके बाद वो यार्ड चेंजिंग सीन, देन उसके बाद वो स्पीड बोट्स चेंजिंग सीन, तो ये सारी चीज़ें बार बार देखने को मिलेंगी। देन भाई ये चीज़ भी जबरदस्त इसमें जुड़ रही है कि पठान से सीधा जिम की एंट्री होने वाली है। वैसे ट्विस्टिंग पॉइंट ये है कि भाई विलेन का भारी भरकम एंगल किसके पास होने वाला है, क्योंकि जूनियर NTR को भी एक एजेंट बोल रहे हैं, तो क्या फुल विलेन उसे कह सकते हैं, या फिर बाद में कुछ ऐसा उसके साथ हो जाएगा कि उसे विलेन बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि जिम का कैरेक्टर हम एज विलेन पहले ही देख चुके हैं, तो हु नोज कि यहाँ पर ये भी निगेटिव कैरेक्टर हो सकता है, या फिर एक प्रिडिक्शन ये भी करी जा रही है कि जो वहाँ निगेटिव कैरेक्टर हमें देखने को मिला था उसका कारण वजह यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टोरी का एंगल पाकिस्तान ना रह के इस बार चाइना वॉर वाला हिसाब किताब देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से ये मूवी कितनी कमाई कर सकती है और इसके लिए कितना वेट है? बाकी भाई शूटिंग वगैरह ज्वाइन हो चुकी है, फोटोज वगैरह लीक्स हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।